आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ISI जो कि दुनिया की नंबर वन इंटेलिजेंस एजेंसी भी मानी जाती है, उसके लोगों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि उसके लोगों में मारहोड़ की तस्वीर क्यों है। मैं हूं जैन और आप देख रहे हैं दी इन्फो टीचर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बस्ती के करीबी पहाड़ पर एक मारहोड़ रहता था। उस मारहोड़ ने वो पहाड़ इसलिए चुना था क्योंकि उस पहाड़ बहुत से छोटे और बड़े जहरीले सांप रहते थे जो अपनी हबीस हरकतों से दूसरे जंगली जानवरों और इंसानों को तंग करते रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मारहोर सांप खा जाता है तो इन सांपों का शिकार किया करता था। आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों पर बसने वाले इंसानी आबादी और तमाम महलुकात में वो मारहोर मकबूल हो गया। लोग उसे निजात दहिंदा समझने लगे और उससे प्यार करने लगे। दूसरी तरफ सांपों में खलबली मची हुई थी। वो दिन रात मारहोर को डसने का सोचते रहते मगर जैसे ही कोई उसके करीब आता मारा जाता। फिर जब कोई सांप मारा जाता तो ये बात उसके खानदानों में बड़ी इज्जत की बात समझी जाती थी। जब किसी सांप के मरने की खबर आती तो सब सांप खूब रोते, आंसू बहाते और मरने वाले सांप के दोस्तों और रिश्तेदारों की तो अच्छी खासी मशहूरी हो जाती थी कि बेचारा जुल्म के खिलाफ सच्चाई की जद्दोजहद करता मारा गया। आहिस्ता आहिस्ता इन सांपों ने देखा कि मारहोड़ को बराह रास्त मुकाबला करके मारना नामुमकिन है तो उन्होंने एक खतरनाक मनसूबा बनाया। एक मारहोड़ अब हर सांप के पीछे तो नहीं जा सकता था तो उन्होंने सोचा कि वो एक सांप को मारहोड़ के सामने पकाएंगे। जब वो उसका पीछा करेगा तो इतने में दूसरे सांप इंसानी बस्ती में दाखिल होकर इंसानों को तंग किया करेंगे और ऐसा ही हुआ। अब मारहोड़ की मौजूदगी के बावजूद इंसानी बस्ती और दूसरी जंगली महलुकात में से रोज कोई ना कोई सांप के काटने से मरने लगा। लोगों में सख्त गम और गुस्सा पाया जाने लगा। कोई कहता कि मारहोड़ को मार दो, खामखा ये यहाँ रह रहा है, उसके रहने का क्या फायदा जब ये कुछ कर ही नहीं सकता। कोई कहता कि इसको जबा करवा दो, इसके सींग बेच देंगे। जंगली जानवर भी बहुत परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा प्यारा मारहोर इन सांपों को देख नहीं पा रहा। ऐसे में कुछ बर्फानी लूमड़ियाँ जो मारहोर का गोश्त खाने के ख्वाब देखती थीं और हमेशा नाकाम रहती थीं मैदान में आ गईं। उन्होंने मारहोर के खिलाफ पूरी मुहिम चला डाली। हर तरफ शोर मचने लगा कि मारहोर का क्या फायदा। मारहोर बेचारा दिन रात मेहनत से अपने काम पर लगा रहता, उसे खबर ही न थी कि उससे प्यार करने वाली महलुकात अब उसकी दुश्मन बनती जा रही है, उसके खिलाफ साजिशें सुनती है और उसके दुश्मनों की हर बात का यकीन करती जा रही है। अब मारहोर तक भी वो नफरत पहुँचने लगती है और उसे नजर आ रहा था कि उसका वहाँ रहने का अब कोई फायदा नहीं। उदास दिल के साथ एक रात वो बस्ती के करीबी वीराने की तरफ जाने के लिए रास्ते पर बैठा था कि उसने कुछ सांप देखे। मारहोड़ की भूख तो कब की मिट चुकी थी, उसने उनका पीछा नहीं किया। अब सांपों को बड़ी हैरानी हुई कि ये पीछे क्यों नहीं आ रहा। अगर ये जल्दी न आया तो बस्ती में जाने वाले सांपों को देख लेगा और उनका पोल खुल जाएगा। ये सोचकर वो सांप शोर मचाने लगे, जानबूझकर उसके आसपास मंडलाने लगे। मारहोड़ को ये बात कुछ अजीब लगी और वो हकीकत जानने के लिए सोने का बहाना करने लगा। अब उन सांपों ने सोचा कि शायद अब हमें इसे कोई खतरा नहीं रहा क्योंकि उसको अब उसके चाहने वालों की हमायत हासिल नहीं रही, तो उन्होंने उस पर आवाजें कसना शुरू कर दी और खुशी से नाचने लगे। नाचते नाचते दूसरे सांप भी उसके करीब जमा होना शुरू हो गए और कुछ सांप मौका गनीमत जानते हुए बस्ती में दाखिल होने लगे जिन्हें मारहोड़ ने देख लिया। अब उसकी समझ में बात आ गई। उसने नहायत फुर्ती से करीबी सांपों को हतम किया और बस्ती में दाखिल होने की कोशिश करने वाले सांपों की गर्दन दबोच ली। कहा जाता है कि उस रात सैकड़ों सांप मारे गए और बर्फानी लूमड़ियाँ जो मारहोड़ के मरने के इंतजार में रालें टपका रही थीं, फिर से भूखी रह गईं। सुना है आज भी उस इलाके में सांप उन मरने वाले सांपों की याद में मोमबत्तियां जलाते हैं और लूमड़ियाँ दूसरी तमाम महलुकात में खूब बन ठन कर बाल कटाकर जाती हैं और मारहोड़ के खिलाफ बातें करती हैं और उस रात वाले वाक्य को मारहोड़ की हवानियत जुल्म और दरिंदगी बताती हैं। कुछ इनका यकीन कर लेते हैं और कुछ इन्हें मारकर भगा देते हैं, लेकिन सांप आज भी अपने घरों से निकलते हैं तो वसीयत करके निकलते हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मारहोड़ होगा। ये कहानी थी मारहोड़ की। अगर आप इस कहानी में मारहोड़ को पाकिस्तान आर्मी और ISI से तशबीह दें तो आपको यकीनन लूमड़ियाँ और सांप नजर आ जाएंगे। जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी पाक फौज को फुल सपोर्ट करें और बजाय इसके कि हम अपनी फौज पर तनकीद करें हमें उसका साथ देना होगा, क्योंकि ये सांपों की चाल है कि हमको अपनी पाक फौज से दूर किया जाए। पाक फौज के लिए नफरत हमारे दिलों में रचाई जा रही है जिसका हम बड़े ही आसानी से शिकार बन रहे हैं। सब पाकिस्तानियों से मेरी बड़ी ही जोर से इल्तमास है कि अपने जहनों को, दिल और दिमाग को खोल के रखिए और कोशिश कीजिए कि हम पाक फौज के बारे में कुछ भी गलत सुनने से पहले और बोलने से पहले उसके बारे में तहकीक कर लें कि कहीं ये सांप की चाल तो नहीं। और शायद यही वजह है कि ISI के लोगों में भी मारहोड़ की तस्वीर है जो कि पाकिस्तान का कौमी जानवर भी है। ISI का काम भी यही है कि पाकिस्तानियों और मुसलमानों के बेस
में छुपे सांप पकड़ना। ये सांप अपने बिलों में छुपे रहते हैं और इनके बिलों में उनके रवाबत कई गैर मुल्की जहरीले नागों और लोमड़ियों से होती है जिनकी ये पूजा करते हैं। ऐसे तमाम सांपों के दिल दहल जाते हैं जब ये मारहोड़ को देखते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि अगर हमें कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मारहोड़ यानी ISI और पाक फौज होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ये हमारा फर्ज है कि हम अपनी पाक फौज की हिफाजत और उसकी सालमियत के लिए न सिर्फ दुआ गो रहे बल्कि उसकी सालमियत के लिए उसका भरपूर साथ भी दिया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सियासतदान इस मुल्क के साथ कितने वफादार हैं। अगर आज ये पाकिस्तान कायम और दायम है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और वो है पाक फौज। तो चलिए एक जबरदस्त किस्म सा नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।